बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आईफा को तमाशा बताते हुए कहा आईफा मध्य प्रदेश में नहीं होगा। शिवराज सिंह ने खुलासा किया कि आईफा के नाम पर बड़े पैमाने पर पैसा वसूली की गई है। मध्य प्रदेश में खाली खजाने का रोना रोने वाले कमलनाथ एमपी में आईफा का आयोजन करवाना चाहते थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आईफा को तमाशा बताते हुए साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में आईफा नहीं होगा। सीएम शिवराज ने बताया कि आईफा के नाम पर लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया। आईफा की क्या जरूरत है, इस समय कोरोना फैला हुआ है, लोग संकट में हैं। आईफा जैसे तमाशे को मैं पसंद नहीं करता, और मुझे पता चला कि कई उद्योगपतियों से राशि वसूली गई। एक ही कंपनी से खबर आई कि 4 करोड़ रुपया उनसे ले लिए गए आईफा के नाम पर। मैंने कहा और किस किस से लिए पता करें, ये ठीक नहीं है। अगर लेने ही है तो कोरोना के लिए लो, दूसरी चीज़ों के लिए लो। आईफा नहीं होगा, आईफा के तमाशे की कोई जरूरत नहीं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।